चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो चेंज इन डिमांड को हम समझेंगे। सबसे पहले चेंज इन डिमांड में पहले मतलब क्या होता है, चेंज इन डिमांड का पहले मतलब होता है कि जब कोई डिमांड बदल रही है किसी भी फैक्टर की वजह से, डिमांड बदलती है बहुत सारे फैक्टर की वजह से, तो उसकी वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, वो हम समझ रहे हैं। तो डिमांड बदलती है, या तो डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, तो जब डिमांड बढ़ती है तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है वो समझ रहे हैं। सबसे पहले डिमांड जब बढ़ रही है तो उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम पे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि जब डिमांड बढ़ रही है तो हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। राइटवर्ड शिफ्ट होता है, जब भी डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व कहाँ जाता है, राइटवर्ड, घटती है तो लेफ्टवर्ड, ठीक है। और एक चीज़ हम समझ लें, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, जब अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई से बढ़ रही है तो इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। अगर डिमांड बढ़ रही है सप्लाई कम है तो हमारा प्राइस बढ़ता है, ये साथ में लिखा। जब डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब सप्लाई वही के वही है, तो डिमांड ज़्यादा होगी, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। तभी तो लिखा हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेस डिमांड, उसकी वजह से प्राइस बढ़ता है, ये लिखना है तुम्हें साथ में। और अगर डिमांड घटती है, यानी कि डिमांड कम है अगर सप्लाई से, तो प्राइस कम हो जाता है प्रोडक्ट का, ये लिखो साथ में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो अगर डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम है अगर मेरे पास, इसका मतलब लोग लेने वाले बहुत ज़्यादा है। अगर कोई प्रोडक्ट लेने वाले बहुत ज़्यादा है और सप्लाई मेरे पास कम है किस चीज़ की, तो मैं प्राइस बढ़ा भी दूंगा तब भी वो ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ की डिमांड कम है, सामान मेरे को बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो मुझे प्राइस घटाना पड़ेगा तभी लोग खरीदेंगे। तो इसमें मुझे बताओ इसमें हो क्या रहा है, डिमांड बढ़ रही है ना, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ेगा, देखो अब डायग्राम हमने बनाया, इसका डायग्राम समझेंगे कैसे बढ़ा। देखो तो ये डायग्राम है, इसमें लिखा क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, इधर प्राइस आ गया। पहले हमने मार्केट इक्विलिब्रियम बना दिया जहाँ डिमांड और सप्लाई टकराते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पी आ गया, ये क्यू आ गया, इसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, डिमांड कर्व को कहाँ शिफ्ट कर दिया, राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, क्योंकि डिमांड बढ़ी है। उसकी वजह से जो हमारा, अगर ये जो नया डिमांड कर्व जहाँ टकरा रहा है सप्लाई से, वहाँ पर क्या बन गया, एक नया इक्विलिब्रियम बन गया, उसे क्या नाम दे दिया, E1। वहाँ से जो प्राइस है उसे क्या बोल दिया, P1। वहाँ से जो क्वांटिटी है क्या बोल दिया, Q1। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया वही चीज़ कि जब भी डिमांड बढ़ती है उसकी वजह से डिमांड कर्व DD से D1 पे शिफ्ट होगा, हमने नाम दे दिया। और उस इसकी वजह से क्या हुआ, बायर के बीच में कंपटीशन आ गया। यानी कि कंपटीशन कैसे आ गया कि बायर चाहता है कि मैं भी लूँगा प्रोडक्ट, मैं भी लूँगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सप्लायर क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। जब बहुत सारे लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन आ गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। तो ये लिख लें, तो इसकी वजह से न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, E1 पे आ गया। और न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ आ गया, OP1 पे आ गया। और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहाँ आ गई, OQ से OQ1 पे आ गया, ये लिख लेना, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि जब डिमांड अब घटेगी, ये तो हो गया केस कि जब डिमांड बढ़ रही है तो घटेगी तो क्या होगा, तो क्या फर्क पड़ेगा मार्केट के ऊपर, तो हम वो क्या समझेंगे। पढ़ा था इंक्रीज इन डिमांड, तो डिक्रीज इन डिमांड क्या कहता है कि जब हमारी डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कम होती है तो क्या होता है, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, घटती है तो लेफ्टवर्ड होता है। तो वो कह रहा है कि देखो जब डिमांड घटती है, हमने एक चीज़ समझी थी अभी, अगर डिमांड सप्लाई से कम है तो प्राइस बढ़ता है या घटता है, क्या होता है, घटता है, ठीक है, घटता है साथ में। जैसे कि डिमांड मान लेते हैं कि 100 है, सप्लाई 100 है, ठीक है। अब डिमांड 100 से 150 कम होगी और ये वैसे की वैसी है, तो डिमांड कम होगी, यानी कि डिमांड कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइस घट जाएगा। तो देखो अब ये डायग्राम के थ्रू भी हम प्रूफ करके देखेंगे, प्रूफ भी करेंगे डायग्राम के थ्रू कैसे हुआ कम। डिमांड और सप्लाई कर्व बनाया, बीच में आया इक्विलिब्रियम, इधर आया प्राइस, इधर आया क्वांटिटी। डिमांड कर्व हमने क्या करा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया,
तो ये नया डिमांड का जहाँ टकरार है सप्लाई से, उसे क्या बोल दिया? ई वन। वहाँ से जो प्राइस आया उसे पी वन बोला, यहाँ से आया क्यू वन बोला। तो देखो प्राइस घट गया नहीं घट गया? पहले प्राइस पी था, अब कितना हो गया? नीचे चला गया प्राइस, और क्वांटिटी भी घट गई क्योंकि डिमांड कम हुई है। तो उसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जब डिमांड कर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है डीडी से, डीडी बोले उसे, डीडी से डी वन, डी वन पे, तो उसकी वजह से सेलर के बीच में कंपटीशन आ जाता है। पहले क्या लिखा होता? बायर के बीच में आता है। इस बार क्या होगा? इस बार मेरे पास सामान बेचने के बहुत सारे हैं, तो लोग क्या करेंगे? लोग चाहते हैं कि मेरा सामान पहले बिके। तो अब सेलर के बीच में कॉम्पिटिशन आ गया कि मैं पहले बेचूंगा, मैं पहले बेचूंगा। पहले क्या हो रहा था? पहले कह रहा था मैं पहले खरीदूंगा, मैं पहले खरीदूंगा। अब लेकिन सामान बेचने के लिए सामान मेरे पे ज़्यादा पड़ा हुआ है लेकिन डिमांड कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हमें सस्ता बेचना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा? प्राइस घट जाएगा। कि जब भी अगर सामान मेरे पास ज़्यादा है तो किससे क्या होता है? सामान का प्राइस मुझे गिराना पड़ता है, तभी बिक पाएगा। तो वही लिखा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होगा? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ गया? ईवन पे आ गया। और न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ हो गया? ओ पी वन पे आ गया। और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहाँ है? ओ क्यू से ओ क्यू वन पे आ गई, कम हो गई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इसी को एक्सेस सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।